साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम पूज्य आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा। आचार्य श्री परम पूज्य श्री आचार्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज के वरद कृपा पात्र शिष्य हैं और पूज्य आचार्य जी के मुख से अभी तक 780 कथाओं का वाचन हो चुका है। आइए श्रवण करें महाराज श्री के श्रीमुख से श्री राम कथा का। करेंगे तो महाराज भगवान शंकर जी के साथ, अन्यथा विवाह नहीं करेंगे। माता जी बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठी हैं। अच्छा, अब जरा और दूसरी बात सुनो। भगवान से राम जी के तीन संबंध शंकर भगवान से, तीन। अब उन्होंने तीनों का प्रयोग किया। जब शंकर जी विवाह के लिए तैयार नहीं हुए तो राम जी ने कहा, प्रभु अब विनती मम सुने हु शिव, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। तो विनती क्यों कर रहा हूं? आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। अब विनती मम सुने हु शिव, अब मोहि पर अधिक स्नेह। और यदि आप हमें स्नेह करते हैं, हमें अपना मित्र मानते हैं, स्नेह करते हैं, तो महाराज स्नेह के कारण मान लो तब भी ठीक है, और सेवक के नाते मान लो तब भी ठीक है, और अगर हमें आप अपना स्वामी मानते हैं तो फिर हम आदेश देते हैं। आदेश क्या है? जाय पियाहु सैल जही यह मोह मांगे। ये मेरा आदेश मान लो, जाय बियाहु सैल जही यह मोहि मांगे दे। तो विवाह पक्का है। कामदेव आया और महाराज इतना काम फैलाया, भय काम बस जोगीश तापस पावर निधि को दे, ते दैन राजन नारि भेजे, ब्रह्म भय देखत रहे, अब नामे रोग पुरुष भय, इतना काम ने अपना प्रभाव फैलाया कि पुरुषों को माताएं दिखने लगी, माताओं को पुरुष दिखने लगे। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल मऊ, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भेव कोप कंपित त्रैलोका, जब स्मृति शरण नयन उघारा, चितमत काम भयउ जय छारा, कोपिउ जमै बारिचर केतु, छनमै सकल मिटे स्मृति सेतु। कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रोने लगी तो शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पति का हुई है नाम अनंग, उसका नाम अनंग होगा, सब में व्यापेगा, तू चिंता मत कर, और यही तुम्हारा पति द्वापर में पति के रूप में मिलेगा। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। तो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर के आएगा। अब भगवान भोले बाबा की समाधि खुल गई, देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या बात है? देवता बोले, बाबा हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो, कहो ना। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, और निज नयनन देखा चहे नाथ तुम्हारे बिना। बाबा हम देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा, हमारा विवाह देखना चाहते? हमारा विवाह? हमारी तो विवाह करने की उम्र ही नहीं है। तो बाबा ये ब्याह करने की भी कोई उम्र होती है? होती है ना। सुन लीजिए बेवर वालों, ब्याह की भी उम्र होती है। ब्याह को चाह उठे मन में,
तो 15-20-25 लोकी जय और 30 भय तन खीस भय और 40-50 पे नामो नली जे काम को वेग उठे मन में तो कर ज्ञान हृदय मन माही रही जय और जो कहू 60 वर्ष पे मन लल चाहे तो उतार के जूती कपार में दी जय। बिना उम्र का ब्याह नहीं करना चाहिए भाई, क्षमा करना मेवर वालों, बिना उम्र का नहीं। नारद जी ने बिना उम्र का ब्याह किया था तो आपको मालूम काहे का मुंह बनाया गया, समझ लो। हाँ, अगर बिना उम्र की शादी नहीं, नारद जी का बंदर का मुंह बनाया गया तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए महाराज भोले बाबा ने कहा हमारे साथ विवाह कौन करेगा, तो देवताओं ने कहा बाबा पार्वती तप कीन्ह अपारा, पार्वती तप कीन्ह अपारा, पार्वती जी के पास में चले जाओ और पार्वती जी महाराज के प्रेम परीक्षा ले और गिरही प्रेरी पठ बहु भवन दूर करो सरले। पार्वती माता के प्रेम की परीक्षा हो, क्योंकि पार्वती माता अनादिकाल से हमारी पत्नी है लेकिन संबंध क्यों बिगड़ गया, राम जी की वजह से। पार्वती जी ने राम जी की पत्नी का जब बना लिया स्वरूप सती कीन सीता कर भेखा तो उसी से संबंध बिगड़ गया, तो राम जी जब संबंध जोड़ेंगे तभी तो जुड़ेगा, तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो पार्वती पहीं जाही तुम प्रेम परीक्षा ले हो। अब विवाह पक्का है, बारात जाने को है, आप लोग भोले बाबा की बारात में चलेंगे, कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं, हम भी चलेंगे, कोई बात नहीं, भोले बाबा की बारात है, चलिए साहब चलेंगे। पहले दूल्हे को तैयार किया जाए, ऐसे थोड़ी होगा। सिवही संभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। भगवान शंकर के गण भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं, जटा मुकुट, बड़ी बड़ी जटाएं, उनका मुकुट बांधा गया और आही मोर सवारा, जटाओं का मुकुट बांधा गया और आही मोर, काला सर्प सिर पे बिठा दिया गया। ये क्या है? बाबा ने कहा ये मोर है। अरे मोर ऐसी थोड़ी ही होती है, मोर ऐसी होती है ना, छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, दूर से चमकती है। अरे बाबा ने कहा वो बाजार वाली मोर खेत दो खेत चमकेगी, ये काला नाग है 3 किलोमीटर चमकेगा। एक आदमी ने कहा बिबाए अशुभ है, अशुभ है हा? सर्प यदि रास्ता काट दे रास्ता अशुभ और सर्प सिर पे बैठ के जा रहा है ये महाशुभ है, ये विवाह नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा हमसे पूछो ना, हाँ तो आप बताइए ना सर्प को सिर पे बिठाल के क्यों ले जा रहे। बाबा ने कहा कोई हम अपने लिए विवाह थोड़े ही कर रहे हैं, फिर हम तो दुनिया के ब्याह वालों को ये बता रहे हैं कि ब्याह करना बहुत जरूरी है लेकिन 24 घंटे ध्यान रखना जरूरी है, काल खोपड़ी पे ही बैठा खेल खत्म ही है, होश में रहो, खड़बड़ाई है मामला भाई, आप लोग भी होश में रहना।
जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, लत में फिरता प्यारे ये तो मुसाफिर का नारे, क्यों लत में फिरता प्यारे तुझे मुसाफिर का नारे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, में फिरता प्यारे दुनिया मुसाफिर का नारे, तो सिर पे ही बैठा है ना, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, सांपों के कंकन सांपों के कुंडल ताने विभूति और देह में मुर्दे की राख लगाई, चिता भस्मा लेपा मुर्दे की राख, बाबा को मुर्दे की राख से बड़ा प्रेम था, कई लोग मुर्दा रख के जा रहे थे, राम नाम सत्य है ऐसे बोल के जाते हैं, बड़ा गलत है साहब, हर आदमी को बोलना पड़ता है, वैसे बड़ी दुख की बात है, भगवान किसी का ना करे, सबको बोलना पड़ता है। अच्छा देखो ये कितनी विचित्र बात है, ये समझने वाली भी बात है, अरे कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलो, हम लोग कहते हैं कि वो शांत हो गए, कहते हैं ना वो शांत हो गए। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जिंदा में शांत कभी नहीं हुए, मरने के बाद ही आप शांत होते हैं। अरे भाई जिंदा में भी अगर शांत हो जाओ तो कितनी बढ़िया बात रहे, तो कहां हम लोग होते शांत, तो मरने के बाद ही शांत होते। अरे कई लोग मुर्दा रख के जा रहे थे, और मुर्दा रखने वाले शायद बझेरा के ही होंगे या बेवर के होंगे, तो मुर्दा रखने वाले थके बहुत होते हैं, मुर्दा में वजन होता है, तो वो सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, और एक आदमी पीछे से आया और वो मुर्दा रखने वालों से कह रहा था, हडिये हडिये हडो हडो हमें जल्दी है, वो मुर्दा रखने वाले तो हमने बताया कि बेबर के ही थे, उन्होंने कहा भाई साहब अगर ज्यादा जल्दी हो तो इन्हें उतार दे तुम्हें को लाद ले, बोले इतनी जल्दी नहीं, बोले तो खड़े रहो लेन में, पागल आदमी है बिल्कुल, इनसे ज्यादा जल्दी ये ऊपर जा रहे, बोले ना इतनी जल्दी नहीं, बोले ना तुम्हें ज्यादा ही जल्दी हो तो इनको उतार दे तुम्हें को लाद ले, इतनी जल्दी क्या, आदमी कैसा विचित्र हो गया है, कतई आदमी में मानवता नहीं है, पहले आदमी 7 कदम पीछे चला जाता था, अब पता नहीं उसमें क्या मानवता, ऐसी स्थिति बनेगी देखो ना, तो मुर्दा रख चिता की भस्म में बाबा को बड़ा प्रेम है, मुर्दा रखने वाले जा रहे हैं राम नाम सत्य है बोल रहे, बाबा उन्हीं के पीछे पीछे चल दिए, बाबा ने कहा ये तो हमारी बिरादरी के आदमी, हम भी तो बोलते हैं राम नाम सत्य है ना, वो भी पीछे पीछे चल दिए, और थोड़ी देर में मुर्दा जलने लगा, और जलने लगे तो जलाने वाले चलने लगे, अब कोई कह रहा था इन्हें आज ही मरना था, कोई कह रहा था क्या करें, अब ये मर गए तो अब भूखना तो पड़ेगा ही, मजबूरी में आए वैसे हमें तो भोगाओं जाना था, अब क्या करें इनके पीछे समय छोड़ो, कई अब सब पलट गए अपनी अपनी बात कह रहे, बाबा ने कहा ये सब बेकार है, एक भी आदमी राम नाम सत्य नहीं कह रहा है, वो अभी तो सब कह रहे थे, तो बाबा समझ गए ये नहीं कह रहे थे, इनके सिर पे जो रखा था ना उसकी वजह से ये राम नाम सत्य समझ रहे थे, इनसे तो वो अच्छा है, लौट के आए तब तक मुर्दा जल चुका था, मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली, कहा इन जिंदा लोगों से तो तुम अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे कारण लोग जानते हैं कि दुनिया में राम नाम सत्य है, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
उस दिन से बाबा का नियम बन गया, आज भी उनका नियम है। आपको पता है कि नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उज्जैन में कोई मरे ना, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि ताजे मुर्दे की राख से बाबा का इस स्नान न कराया जाए। रोज ताजे मुर्दे की राख आती है, उसी को बोलते हैं भस्म आरती। कभी उज्जैन महाकाल में जाइए, सवेरे सवेरे मिलेगी आपको 4 बजे भस्म आरती। चिता की भस्म से ही आरती होती है बाबा की। रोज ताजे मुर्दे की राख से स्नान करते हैं ना, चिता भस्मा लेपा, यही तो है ना। इसलिए बाबा ने भस्म तन विभूति पट के हरी छाला सिंह की खाल पहनाई गई, कर त्रिशूल हाथ में त्रिशूल और डमरू भी राजा और एक हाथ में डमरू। ए बाबा हाँ ये तैयारी हो गई ना? हाँ हो गई, लेकिन बाजा वाले नहीं आए। बाबा ने कहा आ गए, कहाँ हैं? बोले हम डमरू लिए हैं, जहां बोलोगे बजा देंगे। ये बाजा आप ही बजाएंगे? बोले बाजा हम बजाएं, और कोई बजाए, बाजा हमारा ही बजना। नहीं नहीं आप मजाक नहीं समझिए, मैं सही बता रहा हूँ। ये जो बाजा बजाने वाले शादी में जाते हैं ना, तो जैसी जयमाला पड़ती है ना, वैसी लड़के के बाप से अकेले में कहते हैं बाबूजी अब हम चलें, बज गए बाजा, बज गए बाजा। तो लड़का वाले के तो बज गए बाजा, तो इसलिए वो बेचारे ऐसे ही बोलते हैं बज गए बाजा। तो महाराज बाबा त्रिशूल हाथ में लिए, डमरू भी राजा। तो बाबा पालकी कहाँ है? बाबा ने कहा है ना ये अपना ना दिया, जैसे भाग्य ने ना दिया उसे दिया, ना दिया ना दिया ना दिया उसका नाम ही ना दिया, भाग्य ने ना दिया उसे दिया ना दिया सवार ने। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में त्रिशूल डमरू और नांदिया पर बैठे हैं, और नांदिया का मुंह पूरब की तरफ और दूल्हा का मुंह पश्चिम की तरफ, उल्टे बैठे। बरु बोराए बसे असबारा, उल्टे। किसी ने कहा बाबा ये उल्टा है, बाबा ने कहा ये सीधा है। अरे ना दिया का मुंह इधर है, आपका मुंह इधर है, ये उल्टा है, बाबा ने कहा ये सीधा है। तो ये ना दिया का मुंह इधर है, आपका मुंह इधर है, ये उल्टा नहीं है, बाबा ने कहा तुम समझते नहीं हो, हम अपने लिए शादी, हम शादी करने जा रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ना दिया सीधी रास्ता जाएगा, फिर ये जो बाराती है ना इनकी तरफ हमें मुंह रखना पड़ेगा, अगर हम इनकी तरफ नजर नहीं रखेंगे तो गांव के गांव खाली हो जाएंगे, कोई भले आदमी थोड़े जा रहे, तो हमें बरातियों की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा। तो बाबा उधर की तरफ मुंह करके बैठे। अब बराती भी सुन लो कितने भले थे, को मुखहीन, कहां जा रहे हो निमंत्रण खाने जा रहे हैं, मुंह कहां है ही नहीं, मुंह है ही नहीं, मुखहीन विपुल मुख का वो। और किसी के इतने मुंह हैं कि गिनती नहीं कर सकते आप, हृष्ट पुष्ट कोई बड़े मोटे ताजे, कोई अति तनखीना और कोई बड़े कमजोर, अब विपुल नयन को नयन बिहीना। किसी के इतनी आंखें हैं कि गिनती नहीं हो रही, और किसी के तो आंखें ही नहीं है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हाँ, आप बुरा मानो या भला मानो, हम जाएंगे नहीं बरात में। तो आप क्यों नहीं जाएंगे? बोले आप समझते नहीं है, अरे बरात में भले आदमी होना चाहिए, ये बरात है, बर अनुहार बरात न भाई, बर अनुहार बरात न भाई, हसी करे हो पर पुर जाई, हसी करे हो पर पुर जाई, पर अनुहार बरात न भाई, पर अनुहार बरात न भाई। होगी ये बर के अनुकूल बरात नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करना पड़ेगा कि बाबा से पूछना पड़ेगा कि इनको क्यों ले जा रहे हो। तो बाबा से पूछ लो, ए बाबा इनको काहे को ले जा रहे हैं आप, कोई 1.5 पाए है, कोई 2.25, कोई 3.25, ये क्या मतलब है? उल्टे सीधे हैं, तनखीन को अतपीन, पावन को अपावन, गति धरे, इन्हें क्यों ले जा रहे हो?
बाबा ने कहा कि इनको ले जाना हमारी मजबूरी है। अरे भले आदमी को ले जाना मजबूरी होती, इनको क्यों ले जा रहे हो उल्टे सीधे, इनका क्या मतलब है? बाबा ने कहा हमारी मजबूरी ये है कि ब्रह्मा जी ने इनके भाग्य में तो विवाह लिखा नहीं है, तो इन बिचारों का तो होना नहीं है, और इन्हें भला आदमी कोई अपने बारात में ले नहीं जाएगा, तो हमारी बारात में देख तब भी लेंगे बेचारे, इनका तो फार्म कैंसिल ही मान लो, इनका तो होना नहीं है हमारा, तो हम ले जाएंगे तो कम से कम देख लेंगे कैसे होता है। सब उल्टे सीधे, दुनिया में जो कभी किसी बारात में नहीं गए होंगे सब बाबा के बारात में तैयार हैं। तो महाराज विष्णु भगवान मुस्कराने लगे, विष्णु बचन सुन सुर मुसुकाने और निज निज सेन सहित गाने। सबने एक काम किया, अपनी अपनी सेना के सहित अलग हो गए। विष्णु विरंच महेश बिहाई, इंद्र वरुण कुबेर यम अग्नि बड़े बड़े देवता वीआईपी वीवीआईपी सब अपने अपने वाहन से जा रहे हैं। कोई हंस पे जा रहा, कोई महाराज ऐरावत हाथी पे जा रहा है, कोई गरुड़ पे जा रहा है, सब अपने अपने निजी चाकर प्लेन सब निजी व्यवस्था से जा रहे हैं, और जिन पे कोई व्यवस्था नहीं है वो भोले बाबा के पास जा रहे हैं। विष्णु वचन सुन सुर मुसुकाने निज निज सेन सहित बिल गाए, मन ही मन महेश मुस्काई हरि के बिंग बचन नहीं जाए, जस दूल्हा तस बनी बराता बनियन वरन जाए बराता, जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, हल चंद्रमा सुहज जी को कारण कुंडल नाग फली को, कौर सिर गंग बहाए मंड बाल तल चार लगाए। बाबा तैयार हैं, चलिए बाबा की बारात में, भोले बाबा तैयार हैं। चल भय चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने, चल भाई चल भाई हिमाचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, चल भाई हिमाचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने, हिमाचल के द्वार, चंदा शीश पे गंगा, माथे पे चंदा शीश पे गंगा, कले सोहत है कले सोहत है मुंडों की बाल, आज शिव दूल्हा बने, चल चल भई हिमाचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, चल भय हिमाचल के द्वार की आज शिव बने, चल भय हिमाचल के द्वार आज शिव बने। सब बाबा की बारात में जा रहे हैं। अच्छा, जैसे किसी गांव में बारात पहुंचती है, आप लोगों ने कभी गांव में भी बारात देखी होगी, आजकल तो गेस्ट हाउस में ही शादी होती है, पहले गांव में और बारात जाती थी, हम लोगों ने बचपन में बहुत देखा। अच्छा, गांव में जैसे बारात जाती है ना, तो सबसे पहले देखे के लिए छोड़ छोड़ लड़का, नान नान लड़का, एकदम कुल दौरत है छोड़ छोड़ लड़का, बारात आई बारात आई बारात आई बारात आई, छोटे छोटे बालक दौड़े। अच्छा, जैसे ही वो बालक दौड़े तो अगवानी लोग अगवानी करने जा रहे हैं, फूल माला हाथ में लिए हैं,
देखो भाई, आप हमारी तरफ देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। थोड़ी देर आप नजर मत हिलाइएगा, हमारी तरफ देखिए, समझा रहा हूं। ऐसे हाथ में अगवानी लोग माला लिए हैं, देखे रहे ना, और जैसे वो अगवानी लोग अगवानी करने आए तो उन्होंने क्या देखा, अगवानन जब देखी बराता, अगवानियों ने बारात नहीं देखी, बराता। एक अगवानी से कहा बराती को माला पहनाइए, उसने कहा पीछे मुंह करिए, मौका लगते ही भागना, समझते नहीं हूं, बराती को माला पहनाइए। उसने कहा कि मैं तेरे को बता रहा हूं, भाषण देने की जरूरत नहीं, पीछे मुंह करिए, मौका लगते ही भागना है। तो बराती को माला नहीं पहनाना, कहा नहीं, कहा क्यों, बोले जब बराती के मुंह नहीं है माला कहां डालोगे, को मुखहीन, जब इसके मुंह नहीं है तो माला कहां डालोगे। अब उसकी एक नजर बराती पर, एक नजर पीछे की रास्ता पर, माला हाथ में देखना, एक नजर बराती पर, एक नजर पीछे की रास्ता पर, आगा बानन जब देख 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 देखी 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 देखी, एक नजर बराती पर, एक पीछे की रास्ता पर, और जो सयाने थे वो तो रुक गए, और बच्चों ने तो प्राण छोड़ दिए, धर धीरज ता रहे सयाने, आनंद भगिने जी वो पराने, भगिने जी वो पराने, हे भवन पूछे हर धीरज तहां रहे सयाने, बालक भगिले जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता। बालक भाग करके घर में पहुंचे, माता पिता ने देखा, किबाल बंद करो, उड़ उड़ बंद करो, अरे बात क्या है, किबाल बंद करो, अरे है क्या, बोलो ना बात क्या है, अरे बाप रे, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप रे, बाप रे, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप रे, जय हो, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप रे, बाप रे, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप रे, देखा है ना, तो दूल्हा कैसा है, तन छार ब्याल कपाल जोगिन नगन जटिल भयंकरा। बराती कैसे हैं, तन संग भूत प्रेत पिशाच मरकट विकट मुख रजनी चरा। ये ब्याह कैसा होगा, बच्चों ने कहा ब्याह का नाम मत लो, जो जियत रहे बरात देखत। तुम ब्याह की कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि बारात देख करके गांव में कोई जिंदा ही रह ले। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, और हां बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।